स्टार्ट। अच्छा हमारा भी रिसेंटली ना आपने भाइया वाली जो आपके साथ हुआ इंसिडेंट उसकी भी वीडियो अपलोड की थी, तो उस इंसिडेंट के बारे में बताएं वो क्या हुआ उसमें और ये सब इंसिडेंट आपके साथ ही क्यों हुआ। यार आखिर बड़े मज़ेदार बात है, 30 सितंबर की बात है। मेरे एक दोस्त हैं मुनव्वर करके, उनका नेशनल हीलिंग का बड़ा ज़बरदस्त सेटअप उन्होंने डिफेंस के अंदर खोला, ठीक है। और माशाल्लाह कि अगर किसी को भी स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं या जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी वीन थेरेपी को ही करते हैं और अमेजिंग। तो मैं उनके पास से वापस बाइक करवा के डिफेंस ECHS की तरफ आ रहा था। अब जब हम ECHS की राइड बुक करवाई तो जब मैं आधे रोड पर पहुंचा, आपने मैकडॉनल्ड देखा होगा जो काला पुल से पहले जो मैकडॉनल्ड है, ठीक है, तो मुझे वो ECHS की तरफ लेके जाने के बजाय डिफेंस लाइब्रेरी की तरफ लेके जाना था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे मेरा पार्क तो यहाँ करीब कर, मैं आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आजम बस्ती जो है मेरे इलाके के बन गई ECHS है यार। मैंने कहा आपने उसके अंदर दिखाई मोबाइल नंबर तो ECHS लिखा हुआ, ठीक है। कहने के जो भी लिखा मेरे मैप पर तो यहीं तक शो कर रहा। फिर एक और बाइक वाला मैंने उनको बुलाया, कह रहे भाई ECHS तो वहाँ पर लेके क्यों नहीं जा रहे? कह रहे मैं तो नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं लेके जाओगे? तो मैं किस वजह से मिल गया? कह रहा मेरा घर करीब है और मैप तो यहीं तक शो कर रहा है। मैंने कहा मैप कैसे शो कर सकता है यहाँ पे, मुझे दिखाई जा रहा मैप। अब मुझे नहीं पता मैप के अंदर प्रॉब्लम थी क्योंकि लोकेशन किसी चीज की डली हुई थी, मैप प्रोटेक्ट हो रहा था। मैंने कॉल की इनकी हेल्पलाइन को बारी कर दी यार, 3 दफा कॉल की गई टू म्यूजिक बड़े अच्छे सुनाते हैं कसम से, ऐसे म्यूजिक सुनाते हैं कि डांस करने का दिल कर रहता है। फिर 4th दफा मेरी लाइबा खातून थी कोई, उन्होंने कहा सर क्या आपके साथ इंसिडेंट हुआ है? मैंने कहा मुझे 25 मिनट हो गए और आई वॉज हियर और ये क्या मसला है, ये तो बस तमीजी तो उतर आया है। कह रहा मैं लेके नहीं जाऊँगा और ये वर्ष रहते ही मन, मेरे पास मुफ्त तो नहीं है ना कि मैं जो पैसे पे करूँगा, मुझे जगह पे जाना है, जगह लोकेशन के हिसाब से आपने डिसाइड किया था। तो लाइबा खातून ने कहा वेट करें 15 मिनट, उन्होंने मजीद लगाए, ठीक है। तो ये 15 मिनट लगाए तो फिर उन्होंने मुझे कहा देखिए सर मैंने उनको एग्री कर लिया है। तो मैंने कहा एक बात आपसे पूछूं, अगर आपकी ये तबीयत पे गिराना गुजरे तो पूछें, बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनकी बात, ठीक है, आपके आपको बात करनी चाहिए सही। तो अब मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो मैं मोबाइल से कॉल कर रहा हूँ चार्ज, तो ये चार्ज किसके फ़ोन से हो रहा है, ये मेरे फ़ोन से पैसे कट रहे हैं या आपके फ़ोन से कट रहे, बैलेंस किस तो उससे कट रहा है? कहने सर आप। मैंने कहा खुदा की कसम आपसे दिल खुश कर दिया, मैंने वीडियो बनाई उनकी सही। मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि कराची वाले भेड़ बकरियाँ नहीं हैं कि जिसका दिल चाह उस तरीके से हांग दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे यार, वी शुड हैव टू स्पीक फॉर आवर राइट्स भाई, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं का शो करके, और अगर उस बाइकी वाले की गलती नहीं है मैप की गलती है ये तो कंपनी का फॉल्ट है, नहीं कंपनी का फॉल्ट है कि कंपनी ने क्यों इस तरह का मैप करके कस्टमर भी सफर कर रहा है। यार मुझे किसी ने बताया आपकी जगह कोई लेडीज होती उस वक्त और वो अधूरी आधे रास्ते में उसे छोड़ के इस तरह चला गया, तो यार बोले मेरे पास इतना ही शो कर रहा मैं तो नहीं ले रहा। बिल्कुल हो सकता था यार, दिस इज पेनफुल। और आप समझे 25 मिनट की राइड मुझे 58 मिनट्स में मैंने बोली थी, 58 से नहीं उसको एक घंटा लग गया, एक घंटा लग गया। तो मुझे बताओ 30 से 40 मिनट का जो ये है। फिर मेरे एक बड़े अच्छे भाई हैं वो अलहमदुल्ला इज अ लॉयर इन सिंध हाई कोर्ट और माशाल्लाह इज अ वेरी कॉम्पिटेंट अम्मा यासर भाई। आई जस्ट डिस्कस द होल इंसिडेंट विद देम, उन्होंने कहा अगर आप चाहें यू कैन सो देम ऑल्सो, आप इनके खिलाफ लीगल नोटिस वगैरह भी दे सकते हैं। तो मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि आई गो फॉर दैट और इस मामले को यहीं पे। मगर मैं फिर आपके लिए बताऊँ, देखें हम कराची वाले जो है ना अपने आपको इतना बेबस और मजबूर ना समझें। अल्लाह ताला यही कहता है कि उस कौम की किस्मत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब आप अपने लिए नहीं खड़ोगे, और भाई इज्जत अपनी नहीं करवाओगे तो दूसरे आपकी खाक करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करवानी है। जब मैंने उसकी वीडियो बनाना शुरू की चला गया वो जब पहले ले जाता, तो यार इसका मतलब है आपके कराची वालों को सबसे बड़ा हथियार आपके पास आपका मोबाइल। भाई गो थ्रू के अगर नहीं हो रहा है मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, खत्म हो गई बात। इनका चेहरा सबों के सामने आ जाएगा, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, 10 दफा सोचेंगे। तो दिस द इंसिडेंट, और दिल करके ना कराची वाला होने पर फख्र महसूस होगा कि कराची वाले कराची वाले हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। थैंक यू। तकरीबन 25 मिनट हो गए खड़े हुए, मगर बाइक वाले बात कर रहे हैं और
ये सांप 10 से मस नहीं होगा, सही है। PCHS की सवारी है और डिफेंस में लाके खड़ा किया हुआ है और 15 मिनट हो गए ये इनको भी कॉल किए, बीच रास्ते में उतार रहा हूँ, ये सर्विस है। राइड उड करवाई थी डिफेंस से जो है PCHS की, और ये साहब रास्ते में कह रहे हैं कि इनका मैप कुछ और शो कर रहा है, तो ये आधे रास्ते में उतार रहे हैं, और जब शो किया कि जगह वहाँ की मेंशन है, और ये पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास, ठीक है ना, और तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल दिखा दिए, दिखा दिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारी चीज़ें दिखा दी, दिखा दी।